हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल विश के रिव्यू में। आज मैं लेके आया हूँ बीटल M59 का बहुत ही मस्त रिव्यू, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये इसका बॉक्स कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है और इसमें आपको कम दाम में एक साल की वारंटी भी मिल जाती है। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइड में इसके सारे फीचर्स दे रखे हैं, तो आप इसको देखिए। बट मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके सब दिखाऊँगा कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं सब मैं बताऊँगा आपको। वीडियो आप पूरी देखिएगा, कहीं भी छोड़िएगा नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा फंक्शन, फिर आप मिस हो जाएगा। तो ये इसके साथ छोटी सी किताब यानी खर्रा मिलता है, जिसमें आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जो मैं सेटिंग इंपॉर्टेंट है, जिसका डेली लाइफ में यूज़ है, मैं सब बताऊँगा, लेकिन जो छूट जाएगी आप इस किताब से देख लीजिएगा। इसके साथ ही कॉइल कॉर्ड मिलती है, जो कि आप हैंडसेट को बेस यूनिट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊँगा। साथ में वायर मिल जाता है जो जियो फाइबर से कनेक्ट होगा अपने इस फ़ोन में, तो वो भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा। ये हैंडसेट आप देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है और इसकी क्या मतलब जो ग्रिपिंग है वो काफ़ी मज़ेदार है और इसकी सराउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको इसमें बताऊंगा सारे कीज़ का फंक्शन। बीच में आपको न्यूमेरिक कीपैड मिल जाता है पूरा, और ऊपर आपको 10 नंबर सेव करने का एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। साइड में आपको बटन मिल जाते हैं, अप डाउन के, डिलीट के, और आपको बैक के, होल्ड के, और नीचे स्पीकर का बटन और रिडायल का, फ्लैश का और वॉल्यूम का बटन मिल जाता है। तो सबका फंक्शन मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, तो आप वीडियो को मिस मत करिएगा। साथ ही में इस वायर को मैं आपको कनेक्ट करके दिखाने जा रहा हूं, और ये भी इसकी LCD पे कुछ नहीं है। मैं देखिए जियो फाइबर मेरे यहाँ लगा है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखिए जियो फाइबर लगा हुआ है, यहाँ से वायर आया है और इस वायर को मैं फ़ोन में अभी कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी स्क्रीन पे क्या आता है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं। स्क्रीन पे अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल, बिना सेल के ये पूरा अभी फ़ोन है। तो चलिए मैं अभी इसको लगा के दिखाता हूँ। ये बैक साइड में आपको प्लेस दिया है, यहाँ पर आपको फिक्स करना है। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ इसमें। ये देखिए मैंने इसे लगा दिया है। अब चलिए स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन पर क्या शो कर रहा है। तो चलिए मैं इसको घुमाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या हमको मिलता है स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे डेट, मंथ, और उसके बाद नीचे ईयर है, ऊपर आपको क्लॉक आ गया है। तो ये सारा मैं सेट करके भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो पूरी देखिएगा। ये सेल मैंने बाहर से ख़रीदे हैं, इसके साथ नहीं मिलते हैं। सेल अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि रात में अगर आपको देखना है तो सेल डालने पड़ेंगे। उसमें आपको लाइट मिल जाती है स्क्रीन पर अच्छी सी, वो मैं आपको डाल के भी दिखाऊँगा। लेकिन अगर आपको रात में यूज़ नहीं करना है बहुत ज़्यादा, तो आप मत डालिए, फालतू का मतलब खर्चा ही बचेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए मैं सेल लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेल डाल देता हूँ, उसके बाद देखते हैं स्क्रीन पे किस कलर की लाइट आती है, जो कि बहुत अमेजिंग होती है, देख के काफ़ी अच्छा लगता है उसे। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ फटाक से, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो सेल मत डालिए, आराम से आप डिस्प्ले पर पढ़ सकते हैं, बस रात में दिक्कत होती है। ये देखिए एकदम लाइट ब्लू कलर में अमेजिंग लाइट इस पर आती है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पे मैं स्पीकर का बटन ऑन करूँगा, देखिए लाइट जल जा रही है। तो इस तरीके से आपको लाइट दिखती है, और रात में भी आप इसका यूज़ करके ईज़िली कॉल कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे काम जिसमें है सब मिल जाएंगे। मैं चलिए आपको पहले ये कॉइल कॉर्ड लगा के दिखाता हूँ इसमें। तो ये हैंडसेट है, इसमें मैं आपको नीचे देखिए दे रखा है, इस प्लेस पर आपको फिक्स करना है। तो ये कॉनकॉर्ड का एक सिरा जो है मैं इसमें लगा दूंगा, दूसरा वाला ये बेस यूनिट में लगा दूंगा। साइड में देखिए दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसको लगा के मैं आपको फिर दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको लगा चुका हूँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा ये। उसके बाद आप इस हैंडसेट से आराम से बात कर सकते हैं कान में लगा के, और इसकी वॉइस काफ़ी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने इसे यूज़ किया है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और उसके बाद ये देखिए इसमें भी आपको की मिल जाती है, जैसे कि आपके घर में बच्चे हैं, वो अगर यहाँ पर रिडायल दबा देते हैं या कोई नंबर दबा देते हैं तो इससे कॉल चली जाएगी। तो बैक साइड में यहाँ पे दे रखा है, की को यहाँ से लॉक कर सकते हैं आप जो है फ़ोन को, तो की की हेल्प से फ़ोन को लॉक कर देंगे तो इससे आपका जो है पूरा जो कीपैड है वो लॉक हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पर आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगा, तब तक मैं आपको सारी सेटिंग्स बता दूंगा कि कैसे क्या क्या सेटिंग है, पहले उसको हम लोग देख लेंगे। ये देखिए बुक्स है, इसमें सारी सेटिंग दे रखी है, लेकिन मैं आपको डेली यूज़ में जितनी भी सेटिंग है मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप सब इस बुक से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले नीचे देखिए सेट पे आना है, तो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक बहुत सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे, तो ये सारी सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले 1 को दबाता हूँ, जैसे ही 1 को दबाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नंबर पर डेट दिख रहा होगा, 2 नंबर पर क्लॉक दिख रहा है। तो एक नंबर दबाया मैंने, तो यहाँ पर देखिए ईयर, मंथ, और आप डेट सब कुछ सेट कर सकते हैं टाइप करके ईजिली। तो इस तरीके से डेट सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको वापस से सेट दबाना है, सेट दबाने के बाद एक नंबर दबाना है, एक के बाद 2 ऑप्शन आएंगे इसमें, दूसरा वाला आपको
क्लॉक का दबाना है। क्लॉक दबाया, फिर आपको जो भी टाइम सेट करना है सिंपली आप दबा दीजिए कीपैड पे, वो सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लॉक भी सेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेटिंग में, तो ये देखिए नीचे फिर से दबाया, तो उसके बाद सेकंड नंबर पर रिंगटोन है। रिंगटोन में भी तीन ऑप्शन है, पहले पे आपका रिंगटोन है, दूसरे पे वीआईपी नंबर की रिंगटोन है, तीसरे नंबर पे वॉल्यूम है। तो सबसे पहले मैं पहले नंबर पे आता हूँ रिंगटोन पे, ये देखिए पहली रिंगटोन है। टोटल इसमें 16 रिंगटोन मिलती हैं, तो आप इसको कोई भी रिंगटोन इसमें सेट कर सकते हैं। उसकी आवाज़ मैंने लास्ट में वीडियो में सुनाई है, तो आप वहाँ लास्ट में देख लीजिएगा, अभी मैंने यहाँ पर एक भी रिंगटोन नहीं सुनाई। तो यहाँ पे आप 16 रिंगटोन में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग को फिर से दबाया मैंने सेकंड ऑप्शन पे, फिर ये देखिए सेकंड नंबर दबाएंगे तो ये वीआईपी आप नंबर सेट कर सकते हैं किसी का भी, मतलब कॉलर मतलब रिंगटोन चेंज कर सकते हैं वीआईपी नंबर पे अलग अलग। थर्ड नंबर पे आता है वॉल्यूम, तो रिंगटोन का जो भी वॉल्यूम रखना है आप यहाँ पे देखिए अप और डाउन करके मैक्सिमम 4 लेवल हैं, 4 लेवल में से कोई भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम को, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। अगर लाउड चाहिए तो लाउड, नहीं तो फिर जैसा आपको सही लगे सेट कर सकते हैं। उसके बाद वापस से मैं आपको अब इसमें और आगे सेटिंग बताऊँगा, तो फिर उसके बाद सेटिंग को दबाना है। फिर यहाँ पे देखिए मैं थर्ड नंबर को प्रेस कर रहा हूँ, ये अलार्म का है, आपको 3 अलार्म लगते हैं, मैं आपको एक सेट करके दिखाता हूँ। तो पहला मैंने दबाया, उसके बाद मैंने अप वाला बटन दबाया, उसके बाद आपको जो भी टाइम सेट करना है यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर जैसे 15:37 दिख रहा है आपको, तो 3:38 का लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, अब नीचे वापस से आपको सेटिंग वाला बटन दबा देना है तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद 15:38 होगा तब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पे ऑटोमेटिक अलार्म चालू हो जाएगा। तो ये देखिए 15:38 हुआ, अलार्म आ गया है, अलार्म चालू हो गया है, रिंगटोन भी बज रही है, बट मैंने यहाँ पे साउंड को नहीं लिया है तो इस तरह लिए आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। फिर से सेटिंग को दबाया, उसके बाद इस तरह आप 3 अलार्म इसमें सेट कर लीजिएगा। अब मैं आता हूँ सेटिंग के बाद 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर हम लोग आएंगे, तो 7वें नंबर पर देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लाइट की जो कॉन्ट्रास्ट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 लेवल मिलते हैं कॉन्ट्रास्ट में, ये देखिए मैंने डाउन कर दिया, अब इसको वापस से अप करूँगा तो फिर से ये बढ़ जाएगी। तो 5 लेवल में जैसा भी आपको सेल अगर कम खर्च करना है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं लाइट को, तो यहाँ से सेट हो जाता है। उसके बाद मैं आपको और आगे इसमें नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको लॉक लगा के दिखाता हूँ कैसे आप इस फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। तो ये देखिए की मिली हुई है, इससे मैं इसको अभी रेड पे है, मैं इसको घुमा के नीचे येलो की तरफ लेके आऊँगा, फिर उसके बाद ये फ़ोन लॉक हो जाएगा, फिर कोई भी बच्चा जो है इसमें डायल नहीं कर सकता है। तो चलिए मैंने इसको लॉक कर दिया है, अब मैं आपको घुमा के वापस से इसमें जो है दबा के दिखाऊँगा, तो फिर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो अब इसमें जैसे आप नंबर डायल करेंगे या कोई भी करेगा तो फिर उसके बाद इसमें जो है डायल नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, अब मैं कुछ भी डायल कर रहा हूँ तो ये देखिए डायल नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा कीपैड लॉक हो गया है। तो वापस से अगर आप इसको अनलॉक करना है, ये देखिए स्क्रीन पर भी देखिए लॉक का सिम्बल दिख रहा है, अगर आपको वापस से अनलॉक करना है तो बैक साइड में वापस से आपको की हेल्प से लॉक को ऊपर रेड की तरफ घुमा देना है। जैसे ही रेड की तरफ घूम जाएगा ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा, ठीक है, तो आप कॉल लगा सकते हैं। तो ये सेफ्टी अच्छी है, मतलब घर पे जैसे बच्चे होते हैं वो रिडायल ही दबा देते हैं तो कॉल चली जाती है, कोई नंबर ही लगा देंगे कहीं भी कॉल चली जाएगी, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा फंक्शन है इसमें। तो ये देखिए मैंने इसको अनलॉक कर दिया है वापस से, फिर से आप मैं स्पीकर बटन दबा के कुछ भी डायल करूँगा तो वो डायल हो जाएगा। तो इसलिए ये देखिए आराम से इजली सारे कीपैड काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें आगे और भी जो फंक्शन है वो बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने रिडायल करना है, तो मैंने जैसे 123 नंबर डायल कर रखा है, इसको बाद मैं स्पीकर ऑन करके रिडायल वाले बटन को दबाऊँगा तो वो 123 डायल हो जाएगा। ये देखिए मैंने रिडायल दबा के स्पीकर ऑन किया तो 123 डायल हो गया। तो इस तरीके से आप रिडायल भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये वॉइस का वॉल्यूम दे रखा है नीचे सबसे, तो वॉल्यूम जैसे भी आपको सेट करना है, अगर आप बात कर रहे हैं आपको चाहिए कि आवाज़ तेज़ जाए तो आप वॉल्यूम का लेवल जो है ज़्यादा रखेंगे, अगर कम जाए तो उसके लिए आपको अप और डाउन करके जो है 4 लेवल हैं उसी हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे मुझे कोई नंबर सेव करना है 1 to 1 जैसे मैंने लिखा, तो जिस पोजीशन पर सेव करना चाहते हैं ऊपर के 10 नंबर हैं, आप कोई भी लॉन्ग प्रेस करके रखिए, नंबर डायल करिए फिर इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए, वो सेव हो जाएगा। जैसे देखिए 1 to 1 सेव हो चुका है, मैंने 7वें नंबर पे सेव किया है, M7 को मैं जैसे ही दबा रहा हूँ तो 1 to 1 पे कॉल चली जा रही है। तो इस तरीके से आप 10 नंबर सेव कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जैसे डिलीट फंक्शन इसमें दे रखा है की, तो यहाँ पर नंबर मैंने डायल किया गलत हो गया तो डिलीट दबा के आप इजली नंबर को बैक कर सकते हैं, वहाँ से डिलीट कर सकते हैं।
तो आपको पूरा नंबर डायल नहीं करना पड़ेगा। ये अच्छी फैसिलिटी है, तो ये भी एक डिलीट का काम है। अच्छा, तो अब मैं आपको आगे रिंगटोन सुनाऊंगा, तो रिंगटोन आप, तो मैंने आपको रिंगटोन कहा था सुनाऊंगा आखिरी में, तो ये देखिए सारे रिंगटोन है। टोटल इसमें 16 रिंगटोन है, वो मैंने आपको दिखा दिए इस तरीके से हैं। तो आप भी जो आपको अच्छी लगे वो आप सेट कर सकते हैं इसमें। और अगर आप मतलब जैसे फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं उसके बाद आप होल्ड दबा देंगे तो उसको ये साउंड सुनाई देगी, ये वाली देखिए। तो ये वाली साउंड उसको सुनाई देगी, जब आप ये होल्ड हटाएंगे तब वो बंदा आपसे फिर से बात करना कंटिन्यू कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है।